नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वही बात बताना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। पहले वाली वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली वीडियो में आपको बताया था कि आरपीएम मीटर के साथ ट्रैक्टर के पीडीओ के आरपीएम कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों का मुझे मैसेज आया कि बिना आरपीएम के हम ट्रैक्टर की पीडीओ के चक्कर निकाल सकते हैं क्या? यस, हम बिना आरपीएम मीटर के भी ट्रैक्टर के चक्कर निकाल सकते हैं। आज मैं वही फार्मूला आपको बताने वाला हूं कि बिना आरपीएम के कैसे हम अपनी पीडीओ के चक्कर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो ट्रैक्टर का मीटर होता है उसमें ऐसे करके आरपीएम बने होते हैं। ऐसे बना होता है, अलग अलग ट्रैक्टर का अलग अलग होता है। इस पे एक निशान बना होता है, ऐसे लगभग एक गिरारी टाइप का निशान बना होता है। ऐसे ऐसे कहीं अलग अलग ट्रैक्टरों पे अलग अलग होता है, ये ऐसे एक गिरारी का साइन बना होता है। आपने वो चेक करना है कि आपके ट्रैक्टर पर वो निशान कहां पे है। जैसे स्वराज ट्रैक्टर हो गए, उस पे ये निशान 1750 पे होता है ये निशान, तो इसका मतलब वो ये 540 चक्कर 1750 पे पूरे कर जाता है। आपने ये निशान चेक करना है कि कहां पे निशान आपका ये लगा हुआ है। जैसे जॉनडियर में ये 2300 या 2400 पे होता है, जॉनडियर ट्रैक्टर में तो 2300-2400 तो आप चलाने को रहे, तो ट्रैक्टर जब हम जो हमारा चलेगा ये जॉनडियर, ये 1800 या 1900 पे चलेगा, 1850-1900 पे चलेगा इसके 80% पे। जैसे मैं पहले भी वीडियो आपको बताया है, तो ये मालूम करने के लिए 1850 पे कितने चक्कर निकालेगा पीटीओ के और इस पे कौन सी पुली लगेगी, तो आपने ये चेक करना है कि ये निशान कहाँ पे है। अगर ये निशान मान लो 2400 पे है या 2300 पे है, तो आपने क्या करना है, 540 चक्कर ये निकालता है 2300 पे, तो ये 540 चक्कर को आपने 2300 पे डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 2300 पे डिवाइड करोगे, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं, चक्कर ये 2300 पे निकालेगा, आपने 540 को 2300 पे डिवाइड कर देना है, जो भी आपका आएगा ये आ रहा है 0.234 समथिंग, तो आपका एक आरपीएम में इतने चक्कर आ गए। तो इसके बाद इसको आप जितनी आरपीएम पे आपको ट्रैक्टर चलाना है आपका, हमारा जो जॉनडियर है वो चलेगा 1850-1900 पे, तो इसको 1900 पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हमने 1900 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये 446 चक्कर आ गए, तो ये 1900 रेश पे 450 के लगभग चक्कर निकालेगा। तो 450 के हिसाब से हम अपने ट्रैक्टर की जो पुलिया, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके हिसाब से 450 के हिसाब से हम अपने रीपर की पुलिया लगा देंगे। तो इसका यही फार्मूला है, हम अपने ट्रैक्टर की वो गिरारी चेक करेंगे, जो गिरारी का साइन बना होता है कितने पे बना हुआ है, 1900 पे बना हुआ है, 2000 वाले भी होते हैं, तो वैसे ही उसका फार्मूला रहेगा, 540 ये 2000 पे निकालेगा, तो 540 2000 पे निकालेगा, तो वही बस वही है, इसको हम 540 को 2000 पे डिवाइड कर देंगे, ये 0.27 आ गया, और इस 0.27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 80% 1600 से, तो इसके चक्कर हो गए 432। तो ऐसे आप अपनी पीटीओ के चक्कर बिना आरपीएम मीटर से निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।